अभी आपको इस वाले ट्रेन का ना फर्स्ट एसी दिखाता हूँ मैं। तो ये देख लो, ये सी। गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे रिकॉर्ड नए ब्लॉग में। और एक्चुअली इवनिंग बोलकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली टाइम हो गया गुड नाइट का। अभी रात का टाइम अभी कितना हुआ मैं बताता हूँ भाई। ये देख लो टाइम, देख लो अभी कितना हो रहा है, 11 बजने वाला है ना। ये भाई तिरुपति से ही है, मिल गया था तो मैं बोला यार चलो साथ में चलते हैं। एक्चुअली बस स्टैंड के पास होटल लेना है कहीं हमें, सबको ये आज बस लेके जा रहे चेन्नई। मैं बोला नहीं, मेरे को थोड़ा तिरुपति का दर्शन भी करना है, ट्राई करेंगे कल, अगर दर्शन नहीं हो पाया तो फिर मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत क्राउड है। और भाई भी बोल रहे हैं लोकल है, मुश्किल है मिलना, मुश्किल है थोड़ा, ये बोल रहा है थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं। ये तिरुपति स्टेशन है, निकलते ही देख लो माहौल एक बार। तो एक बात तो है, निकलते ही आपको पूरा मार्केट वगैरह, होटल लॉज वगैरह सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने को थोड़ा सा अच्छा होटल देखना है आसपास में। भाई साहब देख लो, अभी हम लोग सबको रुके हुए हैं यहाँ पे, जो मैं पढ़ ही नहीं सकता क्या लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, पढ़ सकता हूँ अभी, आनंदा भवन। और अपना यहाँ पे चाय कॉफी ब्रेक के लिए रुके हैं। तो अभी क्या है ना, चेहरे पे मत जाना, चेहरे से लगेगा कि कोई किसी भी चीज के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अभी थकान से ऐसा है इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे यहाँ पे, कल सारा घूम कर दिखाएंगे अगर मैं आसपास में घूमता हूँ तो। ये अपना कॉफी आ गया, कैसा है चाय? अभी देखो इन सभी लोग अपना बस खोज रहे हैं, मतलब ये बस का पता कर रहे हैं। एक्चुअली बस तो बहुत सारा है, हाफ एन आवर में एक एक करके बस है, बट देखना है कौन सा बस इन्हें जाना है। मेरे को होटल लेना है मेरा, या तो ये केंचिस, ये एक होटल है और एक बाजू में ही है, दोनों में से कोई एक लूंगा मैं। फाइनली मुझे ये वाला रूम मिला है, देख लो डिसेंट सा रूम है, लेकिन चलो ठीक है हो जाएगा काम अपना। तिरुपति में भाई रूम तक नहीं मिल रहा था हमें, कितना खोजने के बाद एक रूम खाली था, वो भी आलतू फालतू रेट में देकर लेना पड़ा मुझे। थैंक गॉड भाई का, एक्चुअली हमारे सब्सक्राइबर ही है वो, मुझे पुणे में मिले थे वो, तो वो इधर भी मिल गए। वो बोल रहे थे मोहित भाई मैं आप ही के लिए वेट कर रहा था इस ट्रेन का, जब तक मेरा होटल बुक नहीं हो गया तब तक वो गए नहीं, मतलब वही खोज रहे थे इधर उधर जाके, साथ में मैं भी था उनके। अपने परिवार के लोग हर जगह मिल जाते हैं भाई, एक बात तो बोलना पड़ेगा, और इसीलिए ना काम करने में और भी मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है जो ही बोलो। थैंक यू सो मच भाई, कल प्लान है भाई के साथ ब्रेकफास्ट करने का। अभी देख लो मेरे को पता है फैन ऑन है, साउंड अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी इतना भी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके फैन ऑफ करूं। रूम में आके सबसे पहले मैं नहाया, और अभी मैं देख लो वीडियो को वापस से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो अभी मैं जा रहा हूं सोने के लिए, कुछ नहीं होगा एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, बस एक मम्मी को कॉल करना है अभी कि पहुंच गया अच्छे से, फिर उसके बाद चला जाऊंगा सोने के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। हाँ जी, तो कल रात में तो रूम में चेक इन करने के बाद मैं तो सो गया था, और अभी सुबह उठकर मैं निकला हूँ बाहर। सुबह क्या मतलब अभी 10 बज रहा है, बहुत पता किया यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भी एक दो, उन्होंने भी थोड़ा यहाँ वहाँ पता किया, तो बताया मोहित भाई अभी दर्शन करना मुश्किल है, एक तो आप वीकेंड में आए हो, दूसरा ये है कि अभी छुट्टियों का टाइम स्टार्ट हो गया है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो कल मुझे दिख भी रहा था स्टेशन के बाहर, कहीं रूम ही नहीं मिल रहा था मुझे, दर्शन होना तो लग रहा है मुश्किल है इस बार। तो वही अभी निकले ब्रेकफास्ट करने के लिए, आसपास में काफी लोगों से पूछा बढ़िया वेज ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा, तो PS4 का नाम बहुत बता रहे थे, दिखाता हूँ जाके मैं आपको। सुबह का कुछ ये माहौल है तिरुपति का, और वो है PS4, मुझे वहां जाना है, एकदम बाजू में ही है, होटल के जस्ट पास में ही है मेरे। वैसे एक बात तो बोलना पड़ेगा, मैं तिरुपति में हूँ, यहाँ पे बिरयानी हर जगह मिल रहा है, और दो तीन लोगों से मैंने पूछा यहाँ पे क्या ट्राई करना है, तो सब यही बोल रहे कि मोहित भाई यहाँ का बिरयानी ट्राई करना है, आलिया बोलकर एक जगह है वहाँ, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया मुझे, देखते हैं भाई अभी तो कुछ वेज खाने का ही मन कर रहा है, बाकी लंच एंड डिनर का देखते हैं क्या होता है। इसका पूरा नाम है पेरम्बूर श्री श्रीनिवासा, ये रामेश्वरम में भी मुझे दिखता था। चलो रेस्टोरेंट के अंदर तो आ गया हूँ मैं, कोई साइड जगह लेकर बैठता हूँ मैं। हाँ जी, अभी मैं PS में तो आ गया हूँ, और मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे बढ़िया अभी ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, तो इन्होंने बताया कि आप पूरी इडली ट्राई करो और डोसा ट्राई कर सकते हो। मैं बोला ठीक है आप दोनों ही लेकर आ जाओ, खा लेते फिर लवली के लिए पैक करके लेके चले जाएंगे, वो अभी रूम में ही है, फ्रेश वगैरह हो रही है। ये दो चीज़ मुझे ट्राई करना, और जितने भी लोगों से मैंने पूछा कि बढ़िया वेज खाना कहाँ मिलेगा, वेज ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा, मेरे होटल के रिसेप्शनिस्ट जो थे उनसे मैंने पूछा कि एक बात बताओ बढ़िया ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा, वो बोले चिकन, मैं बोला भाई ब्रेकफास्ट में चिकन नहीं भाई। ये देख लो जी, सबसे पहले आ गया है मेरा पोड़ी इडली, और ये चटनी देखकर लग रहा है कि बहुत बढ़िया होने वाला है, नारियल की चटनी, सांभर भी बढ़िया लग रहा है, तो ट्राई करते हैं पोड़ी इडली, बताते हैं कैसा है। इडली के ऊपर भर भर के घी डाला गया है पहले तो, और अच्छा लग रहा है यार, स्पाइसी भी है और ये चटनी का मिठास भी है, दोनों ही बहुत बढ़िया है, इडली भी बहुत बढ़िया है, चटनी भी बहुत अच्छा है। देखते हैं इनका सांभर कैसा है, सांभर बहुत रेयर ही ऐसा जगह होता है जहाँ का मुझे पसंद आता है, लेकिन यहाँ का सांभर अच्छा लगा, मज़ा आ गया ये पोड़ी इडली खाकर, स्पाइसी है, अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तभी अच्छा लगेगा, लेकिन आप प्लेन इडली के साथ भी ये ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है।
मजा आ गया खा के। देख लो अभी मैं आया, खाली खाली था और आते ही आते देख लो पूरा भर चुका है ये। ओ आइडिया लग गया कि हाँ भाई बढ़िया रेस्टोरेंट है। कुछ कुछ रेस्टोरेंट में बैठते ही आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का रेस्टोरेंट होने वाला है। हाँ जी, मैं यहाँ से पोड़ी इडली ट्राई करके निकल चुका हूँ, ये मैंने लड्डी के लिए भी पैक करवा लिया। खाना बहुत बढ़िया था, मैंने यहाँ का पोड़ी इडली ट्राई किया, ट्राई करना बहुत अच्छा लगेगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो मैं चला गया एडिटिंग करने के लिए, आधा से ज्यादा टाइम मेरा एडिटिंग में ही निकल गया। और अभी टाइम मिला है लाइक फाइनली अपलोड वगैरह करने के बाद, इंटरनेट थोड़ा स्लो था लेकिन हो गया काम अपना। अभी टाइम मिला है, निकले थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए। मैडम भी निकले, वो भी अपना काम ही कर रही थी। अपलोड वगैरह करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम निकल जाता है, उससे भी ज्यादा एडिटिंग करने में। फिलहाल वही अभी जाते हैं चाय वगैरह पीते हैं। वो पीछे में ही पहाड़ दिख रहा होगा आपको, तो तिरुमला जाने वाला जो रास्ता है वो भी यही वाला है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे PS, जहाँ पे मैं गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, वही जगह जाकर मैं चाय वाय भी पीता हूँ। वापस से मैं वही लोकेशन में आ गया हूँ जहाँ मैं आया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैडम ने यहाँ पे सैंडविच ऑर्डर किया है। भाई साउथ में आके सैंडविच कौन ही खाता है, तो चलो ये सैंडविच ऑर्डर किए मैं अपने लिए, वही इडली ऑर्डर किया हूँ, साथ में चाय कॉफी भी आएगा बाद में। बाकी सैंडविच देखते हैं कैसा है। यहाँ पे सैंडविच ट्राई मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर बढ़िया है तब रिकमेंड करूंगा आपको। बाकी ये जगह खाने के लिए बेस्ट है, मतलब अच्छा रेटिंग्स भी मिला हुआ है इसको, और जितने लोगों से मैंने पूछा है मैक्सिमम लोगों ने इस जगह को रिकमेंड किया है। तो देख लो मैं जब भी साउथ में रहता हूँ ये मैंडेटरी है फिल्टर कॉफी, देखकर अच्छा लग रहा है। वैसे चाय भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी मेरा ये फिल्टर कॉफी अच्छे से पहले मिक्स कर लूँ मैं। तो ये जो हम लोगों ने सैंडविच ऑर्डर किया है ना, ये भी देख लो वो केले के पत्ते पे आया हुआ है। ट्राई करके देखो कैसा है, मेरे को तो चिप्स बहुत बढ़िया लग रहा है, बनाना चिप्स है शायद। चलो ट्राई करो बताओ कैसा है। अच्छा लग रहा है। तुम तो बोल रहा था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा साउथ में ये सैंडविच। मेरे को आइडिया नहीं था यहाँ ऐसा सैंडविच मिलेगा, बहुत अच्छा है। चाय अच्छा है? चाय भी बहुत बढ़िया। कॉफी तो अच्छा है, मैंने सुबह भी ट्राई किया था, चाय भी बोल रही है बहुत अच्छा है। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग सैंडविच ट्राई करके निकल गए। ये जगह का नाम है देख लो परमबूर श्री श्रीनिवासा स्वीट्स एंड स्नैक्स। और एक चीज काफी अच्छा लगा, देख लो इन्होंने क्या किया ना, इनका जो चार्ट आइटम सब है तो डेमो के लिए रख दिया है, ताकि लोग आइडिया लगा ले कि हाँ ये चीज ऐसा होगा वो चीज ऐसा होगा। बाकी सैंडविच खा के मजा आ गया, आप भी ट्राई करना। क्या सैंडविच था हम लोग का? वेज ग्रिल चीज सैंडविच ऐसा कुछ था, बहुत बढ़िया था। फाइनली अभी हम लोग बाहर तो आ गए हैं देख लो, और यही वाला रेस्टोरेंट है पीछे देख रहे हो। यहाँ पे आकर अगर आप कुछ ट्राई करना है तो यहाँ का इडली ट्राई कर सकते हो, पोड़ी इडली ट्राई कर सकते हो, सैंडविच ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल सारा का सारा साउथ इंडियन खाना ही बहुत बढ़िया है। देख लो भाई नाम पढ़ोगे तो थोड़ा ये लगेगा PS4, और ये जस्ट देख लो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के अपोजिट साइड में, और अपना होटल वो उधर है। ऑलराइट, तो देख लो मेरे को ये वाले रेस्टोरेंट में भी बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है। ये होटल SK है, यहीं पे आइला रेस्टोरेंट, यहाँ का बिरयानी बहुत लोग बोल रहे थे ट्राई करने का। ट्राई करेंगे डिनर करने का, या फिर अभी तो पेट पूरा भरा हुआ है। अभी देख लो मैं वापस से सेम लोकेशन में आ गया हूँ। एक्चुअली देख लो बहुत कुछ लेना था हमें, पहले तो मेरे को नेल कटर चाहिए था, एक नेल वगैरह बहुत बढ़ गया है अभी। और जो मैं ट्रेन जर्नी दिखाता हूँ ना, उसमें जो ट्रैक साउंड होता है उस साउंड को अच्छे से कैप्चर करने के लिए ये भी मुझे चाहिए था, तो ये भी मिल गया मुझे। वापस से मैं इधर आ गया हूँ। एक्चुअली हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कल मुझे बहुत हेल्प किए हैं होटल दिलाने में, भाई अपने साथ 1 से 1.5 घंटा घूमा है। तो मैं भाई को बोला था आज का डिनर साथ में करेंगे, तो वो बोला था हाँ मोहित भाई आज का डिनर साथ में ही करेंगे, तो वही मैंने बुला लिया यहाँ पे होटल के पास। यहाँ पे दो बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट है, तो वही मैंने ऑप्शन दिया वेज या नॉन वेज का। तो बोलता मोहित भाई हमको सब चलेगा, तो मैं बोला चलो मेरे को भी सब चलेगा। वो आता है तब हम लोग डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। फाइनली यही भाई है, भाई अपना नेम बता दो यार। कुणाल। कुणाल, तो ये कुणाल भाई है। अंदर पहले बैठते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे जाने का प्लान हुआ है हमारा आइला रेस्टोरेंट, तो जाते हैं अंदर और बैठते हैं। तो हम यूट्यूबर का ये प्रॉब्लम होता है, रेस्टोरेंट में भी आओ तो लाइट वाला जगह देख कर ही बैठो, ये तो सूट नहीं हो पाएगा ना। तो हाँ जी देख लो अभी हम लोग अंदर आके बैठ गए हैं, यहाँ पे मेन्यू देखा जा रहा है, आखिर ऑर्डर पता है क्या करना है। लेकिन बाय द वे मिलो कुणाल भाई से, हमें पुणे में आप मिले थे ना। यस राइट। 16 करोड़ बिरयानी, 2 चिकन बिरयानी, और उसके साथ रायता होता भी आता है। अच्छा, आता है ना। आप क्या लोगे ड्रिंक? आप स्प्राइट लोगे? तो 2 स्प्राइट कर देना आप। कल हमारा लाइक हमारे साथ 1.5 घंटे तक था ये भाई, 1 से 1.5 घंटे तक, जब तक हमें होटल नहीं मिला तब तक भाई अपने साथ ही घूम रहा था। अगर आप नहीं होते ना तो मैं तो क्या करता, या तो चेन्नई निकल जाता रात में। हेक्टिक भी होते आपके उतनी तैयारी भी नहीं, मेरे को रेस्ट चाहिए नहीं, मेरे में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं था, इसलिए मैं कल रेस्ट ले लिया। कल पूरा भाई हेल्प किया, तभी मैं बात कर लिया था कि कल का जो शाम का डिनर है हमारा साथ में होगा, वो तो फिक्स था अपना। वहाँ कुणाल भाई के साथ आया हूँ मैं अभी डिनर करने के लिए, बस एक बार पुणे आ जाओ, बस वहाँ पे मोमोज खिलाऊंगा आपको, तो मोमोज पसंद ही है। मेरे को सब पसंद है भाई, और कोलकाता आने के बाद बस एक बार दादा बोली, बस वो आ गया, वो मेरा है।
एनी टाइम। तो मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर आप किसी जगह दर्शन करने जा रहे हो ना, जब तक आपका बुलावा ना आए आप वहाँ नहीं जा सकते, ये मैं मानता हूँ और ये चीज है। मैं इधर आ गया, देखो इतना दिन से मैं चक्कर नहीं लग रहा था, मैं चक्कर भी लगा, मैं इधर आ भी गया हूँ फिर भी बुलावा नहीं आया। नीचे तक हो फिर भी आपको ऊपर का बुलावा, ऊपर का बुलावा नहीं आया। और एक बात है भाई, ये सब करवाता भी है दर्शन वगैरह का, भाई खुद ही बोला मोहित भाई अभी पॉसिबल नहीं है। एक और ऑप्शन दिए ना तुम मेरे को दोपहर में डोनेशन वाला, वो कुछ एक डोनेशन देकर भी होता है, मैं बोला भाई वो भी करवाओ, तो भाई ने बोला कि वो भी अभी नहीं हो पाएगा। जाएंगे अपन ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर अगर सीआर ऑफिस से भी दर्शन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर वापस से जाना आना नीचे वो हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने प्लान किया है कि चलो नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो पहले से बुक करके मम्मी को लेकर आना है साथ में। ऑल राइट, तो देख लो ये आ चुका है अपना बिरयानी। अच्छा ये तो बिरयानी है, साथ में सलन और रायता। ये स्वीट। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली हम लोग जैसा बिरयानी खाते हैं उससे तो ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। अपना जो जेन्युइन रिव्यू है वो दो। अच्छा है लेकिन स्पाइसी है। अच्छा अपना भाई खाएगा वो बताएगा कैसा है। बिना खाए ठीक ही है, खाना से ज्यादा अच्छा मोमेंट जो साथ में खा रहे हैं ना हम लोग। सबसे पहले तो बिरयानी जब भी का हाथ से खाओ, इसलिए मैं सबसे पहले गया हाथ धोने के लिए। स्पाइसी है बहुत, थोड़ा सा स्पाइसी है। हमारे वहाँ जो बिरयानी मिलता है उससे तो टोटली डिफरेंट है ये, और मतलब ऐसा भी नहीं बोलूँगा थोड़ा बहुत डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। इसको खाने में मज़ा रायता के साथ आएगा। ओवरऑल ठीक है, चलो अभी खाना इंजॉय करते हैं अपना, बहुत सारा बातचीत है वो भी कम्प्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो हम लोगों ने बिरयानी ट्राई कर लिया है, फिर से मिल लो कुणाल भाई से। कल रात में अगर मैं वीडियो एड नहीं कर पाया, आते आते काफी रात हो गया था, ऐसे हम लोग वॉक कर रहे थे, काफी मजा आ रहा था, रात में वेदर भी काफी अच्छा हो गया था यहाँ पे। फिर रूम आया, एडिटिंग में लग गया, कब नींद आया पता ही नहीं चला, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर सोए थे। अभी वैसे 6 बजने वाला और 6:20 का मेरा ट्रेन है चेन्नई के लिए, 6:25 का शायद। तो फटाफट अभी पैकिंग वगैरह हो गया, डन, भाग रहा है स्टेशन की तरफ। हाँ जी, तो अभी मैं होटल से बाहर आ गया हूँ, यही पीछे मेरा होटल है देख लो। अभी यहाँ से ऑटो का वेट कर रहे हैं क्योंकि 6:25 में मेरा ट्रेन है, अभी 5:51 हो रहा है, बहुत टाइम कम है, फटाफट भागना पड़ेगा मुझे। तो फाइनली हम लोगों ने ऑटो ले लिया यहाँ से स्टेशन तक के लिए। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं तिरुपति रेलवे स्टेशन, और हमारा होटल उतना भी दूर नहीं था, बस 5 या 10 मिनट लगा हमें यहां पहुंचने में। तो अभी हमारे पास चाय पीने का टाइम है, तो एक काम करते हैं बढ़िया चाय स्टॉल देखे चाय पी लेते हैं। वेलकम टू तिरुपति स्टेशन, और अभी सुबह मस्त सनराइज का टाइम हुआ है देख लो। तो ये अपना ट्रेन है देख लो, 16204 तिरुपति चेन्नई एक्सप्रेस 6:25 में, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है। चलो ठीक है भाई, 6:25 अभी भी टाइम है हमारे पास, तो एक काम करते हैं अंदर चले जाते हैं। चाय का समझ में नहीं आ रहा, डाउट है चाय कैसा होगा नहीं होगा, बहुत सारा स्टॉल है यार, और ये हमको लगता है पूरा रात भर खुला रहता है ये सब। चलो रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर तो हो गए हैं, अभी हमें जाना है यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो देख लो जी यही अपना ट्रेन है 16204, अपना A1 है, तो जाते हैं A1 की तरफ। ये तिरुपति चेन्नई एक्सप्रेस है, तो यही वाला अपना कोच है, अभी सीट नंबर देख लेते हैं क्या है। तो देख लो जी ये अपना सीट है 41 और 42, साइड लोअर मैंने लिया है, नींद भी पूरा करेंगे, एडिटिंग भी करना है वो भी कर लेंगे। और कुछ ऐसा कोच है देख लो, ये A1 तो अपना कोच है। अभी आपको इस वाले ट्रेन का ना फर्स्ट एसी दिखाता हूँ मैं, तो ये देख लो ये सी, ये कूप है इस वाले ट्रेन का। ओ भाई साहब देख लो इस वाले ट्रेन का फर्स्ट एसी कितना प्रीमियम है, लाइक टॉयलेट का भी अंदर में बना हुआ है, ऑक्यूपाइड है या फिर वैकेंट है। वार्डरोब मिलता है जो कि अब बंद हो चुका है, अब तो देते ही नहीं है ये, देख लो। आराम से आप अपना कपड़ा वगैरह हैंग करो, सामान भी रख सकते हो अपना कुछ कुछ। तो एक ज़माने में ऐसा भी फर्स्ट एसी हुआ करता था, यहाँ पे देख लो रैक बना हुआ है, और यहाँ पे ये नाइट लाइट है, और देख लो अंदर का इंटीरियर देख लो कितना प्रीमियम लग रहा है। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ना देखो, इससे इसको खोलते ही ऑन हो जाता है, ये फर्स्ट एसी में जर्नी करने का मजा ही अलग है पूरा एकदम। देख लो इंटीरियर भी, वो वुडन वाला इंटीरियर। मैं सोच रहा था इसमें फर्स्ट एसी में अपना टिकट बुक करूं, लेकिन फिर सोचा बस 4 घंटे का जर्नी है, क्या फर्स्ट एसी दिखाऊंगा मैं। तो ये असली फर्स्ट एसी का मजा देख लो, एक टाइम में ऐसा भी फर्स्ट एसी हुआ करता था। कितना बड़ा है यार, मतलब आराम से आप बैठ कर देख लो, इतना स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहता है, जबकि यहाँ पे एक वार्डरोब है। और इसका जो डोर भी है ना, ये भी बहुत प्रीमियम है, ये देखो बहुत ही प्रीमियम है। चलो जी अब जाते हैं अपने कोच में, और ये फर्स्ट एसी का वॉशरूम देख लो भाई, और कुछ कितना बड़ा बड़ा था यार पहले। ये पुराना कोच है भाई, इस टाइप के फर्स्ट एसी में जर्नी करके ना अलग ही मजा है, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए भाई, छोटे रूट में क्या मजा है। तो अभी जाते हैं अपने कोच में, 6:25 में यहाँ से निकलने का इसका टाइम है, 6:22 हो गया है। होप कि आप लोगों को ये वाला ट्रेन का फर्स्ट एसी का टूर अच्छा लगा हो, एकदम डिफरेंट भी था ये, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसमें जर्नी करने के लिए। कभी मौका मिलेगा तो जरूर इसमें भी जर्नी करके दिखाएंगे, बट कोई लंबा जर्नी करेंगे इसमें, छोटा मोटा जर्नी करके मजा नहीं है। पहले मैं पता करता हूँ इस टाइप का जो कोचेस जो है और कौन कौन सा ट्रेन में लॉन्ग जर्नी के लिए, तो फर्स्ट
इंडस्ट्री में ट्राई करेंगे बुक करने का। भाई देख रहे हो वार्डरोब अलग से बना हुआ है यार। फिलहाल ये जर्नी पे तो ये वीडियो नहीं है क्योंकि ये छोटा सा जर्नी है हमारा। मेरा जो मेन जर्नी का वीडियो होगा ना वो चेन्नई से होगा, जो मैं चेन्नई से कोयम्बतूर जा रहा हूँ, तो वो वीडियो आप लोग देखना। फिलहाल ये वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ और स्पेशल थैंक्स कुणाल भाई को, जिन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा यहाँ पे होटल वगैरह ढूंढने में और भी बहुत कुछ में, भाई ने बहुत हेल्प किया। थैंक यू सो मच कुणाल भाई। फिलहाल ये वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।